हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू, जो कि हमारा पार्ट 7 है। ठीक है, इसके पहले हमारे पार्ट 6 आ चुके हैं, आई होप आपने वो देखे होंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन की सीरीज है, जनरल अवेयरनेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज है, जो आपके अभी अपकमिंग एग्जाम्स है, SBI PO, NIACL PO, बैंक ऑफ बड़ौदा PO, जो देना बैंक PO की जो एग्जाम्स है और जो भी एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हुए। अगर आप ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो का अपडेट मिले। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ आप हमें आप जो हमारा स्टडी कैप्सूल का फेसबुक पेज है, ठीक है, तो उसके ऊपर पेज भी जरूर लाइक कीजिए। शुरू करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द 2017 एबेल प्राइज़। ठीक है, 2017 का एबेल प्राइज पुरस्कार किसको मिला। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों यस मेयर। ठीक है, ये जो है ये यस मेयर, इनको 2017 का एबेल प्राइज पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये जो वेस मेयर है दोस्तों, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है। ठीक है, ये फ्रेंच से बिलोंग करते हैं और इनको जो अवार्ड मिला है, ये इसलिए मिला है कि फॉर हिज पिवोटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिकल थियरी ऑफ वेवलेट्स, उसी को हम स्मॉल वेव्स और रिपल्स कहते हैं। ठीक है, किसके लिए मिला है इनको, इनको मिला है फॉर हिज पिवोटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिकल थियरी ऑफ वेवलेट्स। ठीक है, और ये जो एबल प्राइज अवार्ड रहता है, ये नॉर्वे की अकेडमी साइंस एंड लेटर्स जो है वो देती है। ठीक है, एबल प्राइज इज अवार्डेड एनुअली बाय द नॉर्वेन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री हैज टॉप द 2017 ब्लूमबर्ग ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स। विच कंट्री हैज टॉप द 2017 ब्लूमबर्ग ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ए इटली। ठीक है, इसका आंसर इटली है। इटली जो है, इटली ने ये आउट ऑफ दोस्तों 163, ठीक है, आउट ऑफ 163 कंट्रीज थी, उसमें से ब्लूमबर्ग ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में इटली का कंट्री ने टॉप किया है। और इसी के साथ जो सीक्वेंस है दोस्तों, ये है इटली एक नंबर पे, इसी के साथ आयरलैंड जो है ये सेकेंड नंबर पे, स्विट्ज़रलैंड जो है थ्री नंबर पे, सिंगापुर जो है फोर नंबर पे, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ नंबर पे आता है। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखिए। और इसी के साथ आपको बता दूँ कि ईच कंट्री इन द इंडेक्स वॉज ग्रेडेड बेस्ड ऑन वेरिएबल्स सच एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कॉजेस ऑफ डेथ एंड हेल्थ रिस्क रेंजिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर एंड टोबैको यूज टू माल न्यूट्रिशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन शूटर हैज़ वन गोल्ड इन द मेन्स डबल ट्रैप इवेंट एट द 2017 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप इन मेक्सिको। और इसका आंसर है दोस्तों डी अंकुर मित्तल, अंकुर मित्तल। ठीक है, नेक्स्ट देखते। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट एवर कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड 2017। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट एवर, ठीक है, फर्स्ट एवर कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड 2017। और इसका आंसर है दोस्तों रविश कुमार बी, इसका आंसर है रविश कुमार। रविश कुमार जो है वो NDTV इंडिया जो है ना, तो NDTV इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है जो, और ये अवार्ड जो है कुलदीप नायर फर्स्ट एवर अवार्ड है। ठीक है, तो ये इनको मिला है रविश कुमार को, जो कि NDTV इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है। और जिस अवार्ड में क्या है, द अवार्ड कैरीज अ प्लेक अलॉन्ग विथ अ कैश अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल बैंकिंग ऐप मेरा आई मोबाइल फॉर रूरल कस्टमर्स। विच इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल बैंकिंग ऐप मेरा आई मोबाइल फॉर यूजुअल कस्टमर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों बी ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। The ICICI Bank has recently launched a mobile banking app, Mera iMobile, for rural customers that allow them to access banking services as well as information on agri services. ठीक है, The app is open for both bank customers as well as others and is available in 11 different languages. ठीक है, जो app है वो 11 different languages में available है। The list of banking services includes Kisan Credit Card, गोल्ड लोन, फार्म इक्विपमेंट लोन एंड लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, और इसके साथ एडिशनली इट इज़ द फर्स्ट बैंकिंग ऐप टू ऑफर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक क्रॉप वाइज मंडी प्राइजेस। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर 2018 वन डे ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है,
who has become the new brand ambassador for 2018 one-day blind cricket world cup. और इसका आंसर है दोस्तों ए, शाहिद अफरीदी. शाहिद अफरीदी जो है इनको 2018 का वन डे ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो है न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है. ये जो है ये जनवरी 2018 में होने वाले टूर्नामेंट, और ये जो टूर्नामेंट है दी वर्ल्ड कप विल बी प्लेड इन वन डे इंटरनेशनल फॉर्मेट एंड विल बी होस्टेड बाय पाकिस्तान. विल बी होस्टेड बाय पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट देखते हैं, which Indian personality has recently launched the world's first mobile app on breast health? Which Indian personality has recently launched the world's first mobile app on breast health? और इसका आंसर है ए, अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन जी ने ये मोबाइल ऐप जो है the world's first mobile app on breast health ये लॉन्च किया है दोस्तों. और इस ऐप का नाम आपको बताता हूँ, इस ऐप का नाम है एबीसी ऑफ ब्रेस्ट हेल्थ. ठीक है, एबीसी ऑफ ब्रेस्ट हेल्थ, आप समझ लीजिए एबीसी ऑफ ब्रेस्ट हेल्थ नाम है इसका. और ये जो इसके इसमें क्या दिया है दोस्तों, द पर्पस ऑफ द ऐप इज टू एम्पावर द नेशन अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड बेनिंग नॉन कैंसर ब्रेस्ट हेल्थ इश्यूज इन 12 लैंग्वेजेस. ये 12 लैंग्वेजेस में भी इंफॉर्मेशन देता है. द फर्स्ट फुल्ली इंडिया मेड ट्रेन मेदा हैज़ फ्लैग ऑफ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन. इंडिया की फर्स्ट फुली इंडिया मेड ट्रेन, ठीक है, इसका नाम है मेदा. तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की फर्स्ट फुली मेड ट्रेन कौन सी है, तो इसका नाम है दोस्तों मेदा. ये जो हैज़ फ्लैग ऑफ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन, और इसका आंसर है ए, दादर टू बोरवली. ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में ये दो स्टेशन आते हैं, दादर और बोरवली. नेक्स्ट देखते, which bank has recently signed MOU with CREDAI to work towards providing housing for all? ठीक है, which bank has recently signed memorandum of understanding with CREDAI? ठीक है, CREDAI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आता है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ठीक है, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, CREDAI का फुल फॉर्म आता है दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसका आंसर है दोस्तों डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ. Which bank has recently signed MOU with CREDAI to work towards providing housing loans? ठीक है, towards providing housing loans, State Bank of India. ये जो agreement है ये 3 साल के लिए बनाया हुआ है. ठीक है, next देखते, the International Buddhist Conference on Buddhism in 21st century has started in which state? The International Buddhist Conference on Buddhism in 21st century, उसका नाम है, has started in which state? और इसका आंसर है दोस्तों D, बिहार में. ये बिहार में हो रहा है. ठीक है, ये हो चुका है एक्चुअली बिहार में, ये 17 मार्च 2017 को हुआ है बिहार में, एट नवा नालंदा महाविहार जो है राजगीर में, वहाँ पे ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट आता है बिहार में. ठीक है, वहाँ पे ये हुआ था. नेक्स्ट देखते हैं, which Indian badminton player has been appointed a new member of the government body of sports authority of India? ठीक है, sports authority of India का ये short abbreviation है SAI. ठीक है, which Indian badminton player has been appointed a new member of the government body of sports authority of India? जो badminton player थे, ठीक है, तो इसका answer है दोस्तों A, ज्वाला गुट्टा जो है इनको ये ज्वाला गुट्टा जो है एक Indian badminton player है हमारी, बहुत ही ऐसे badminton player है, इन्हें न्यू मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है. ठीक है, ज्वाला गुट्टा के बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने 2 बार ओलंपिक खेला हुआ है, वुमेंस ग्लासगो में वुमेंस डबल्स गेम्स हुए थे. ठीक है, तो उसमें इन्होंने 2014 में सिल्वर मेडल इनको मिला था. नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2017? ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2017? और इसका आंसर है दोस्तों सी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. इसमें दोस्तों इंडिया के इंस्टीट्यूशन भी है, जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है, इसका नंबर आता है 27th. टोटल 300 इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट बनाई हुई थी, तो इसमें हमारे इंडिया के 33 इंस्टीट्यूट्स आते हैं दोस्तों. नेक्स्ट देखते, India has recently signed a social security agreement with which country to protect rights of detached workers? India has recently signed a social security agreement
ठीक है, इंडिया ने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ किया है, ठीक है, टू राइट्स टू डिटेस्ट वर्कर्स, और इसका आंसर है दोस्तों ए ब्राज़ील। इंडिया ने ब्राज़ील के साथ किया है अभी एग्रीमेंट, ये सिर्फ ब्राज़ील के साथ नहीं किया है, ये अब तक इंडिया ने 18 कंट्रीज़ के साथ किया है, ठीक है, अब तक इंडिया का ये जो एग्रीमेंट है ये 18 कंट्रीज़ के साथ हुआ हुआ है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ डिटैच्ड वर्कर्स। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका अ डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसका आंसर है दोस्तों प्रणय लाल, उसका आंसर है ये प्रणय लाल। प्रणय, ये जो बुक है दोस्तों, इन्होंने जो प्रणय लाल है, इनका जो 20 ईयर से इन्होंने जो रिसर्च किया है, माइक्रोस्कोपिक रिसर्च जो किया है इन्होंने, उसकी सब जानकारी उन्होंने इसमें दी हुई है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने जो रिसर्च किया है, इट प्रोवाइड्स क्लूज फ्रॉम ऑथर्स पैशनेट एंड माइक्रोस्कोपिक रिसर्च ओवर 20 ईयर्स अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट इज द थीम ऑफ 2017 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वॉट इज द थीम ऑफ 2017 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और इसका आंसर है दोस्तों फॉरेस्ट एंड एनर्जी, ए फॉरेस्ट एंड एनर्जी। फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो रहता है दोस्तों, नेशनल फॉरेस्ट डे कब रहता है, 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड बैंक हैज साइन हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट विद उत्तराखंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, द वर्ल्ड बैंक हैज साइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट विद उत्तराखंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, और इसका आंसर है दोस्तों ए $100 million। नेक्स्ट देखते, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, इसके न्यू डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया दोस्तों, तो इसका आंसर है रणदीप गुलेरिया, ए रणदीप गुलेरिया। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ डॉक्टोरेट ऑफ मेडिसिन इन पल्मोनरी एंड क्रिमिनल केयर मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते, विच कंट्रीज होस्टिंग द थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट, विच कंट्रीज होस्टिंग द थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट, और इसका आंसर है इंडिया, ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया जो है वो थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है एनवायरमेंट की होस्ट करने वाली है। नेक्स्ट देखते, दी केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, दी केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, और इसका आंसर है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। नेक्स्ट देखते, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च एन इंटीग्रेटेड ग्रीवियंसेस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म MOPNG ई सेवा, ठीक है, MOPNG ई सेवा फॉर पेट्रोलियम एंड गैस, ठीक है, रिलेटेड क्वेरीज, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च एन इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म MOPNG ई सेवा फॉर पेट्रोलियम एंड गैस रिलेटेड क्वेरीज, और इसका आंसर है दोस्तों डी धर्मेंद्र प्रधान। ये जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनका, ठीक है, फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट देखते, हाउ मच लोन अमाउंट हैज बीन सैंक्शन बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर ग्राम पंचायत डेवलप्ड इन वेस्ट बंगाल, हाउ मच लोन अमाउंट हैज बीन सैंक्शन बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट इन वेस्ट बंगाल, और इसका आंसर है दोस्तों ए $210 million। नेक्स्ट, विच पार्लियामेंट्री कमिटी हैज सजेस्टेड मर्जर ऑफ स्टेट रन टेलीकॉम फर्म्स BSNL एंड MTNL फॉर देयर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच पार्लियामेंट्री कमिटी हैज सजेस्टेड मर्जर ऑफ स्टेट रन टेलीकॉम फर्म्स BSNL और MTNL फॉर देयर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, और इसका आंसर है भगत सिंह कोश्यारी कमेटी, जो कि ए है, भगत सिंह कोश्यारी कमेटी। इन्होंने क्या कहा है कि BSNL और MTNL का क्या, उन्होंने सजेस्ट किया है कि मर्जर कर दो, इससे क्या होगा, एज पर द पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट द मर्जर विल क्रिएट अ बिगर स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनी विच वुड गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू अदर प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स प्रेजेंट इन द मार्केट। नेक्स्ट देखते, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द लोकल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑफ द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017, विच इंडियन पर्सनैलिटी has become the vice president of the local organization committee of the FIFA under 17 World Cup
2017 टूर्नामेंट। ये इवेंट है, ये अक्टूबर 2017 में होने वाली है। और बाबुल सुप्रियो के बारे में बताता हूँ कि ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड फॉर द नंबर ऑफ एमपी इन पार्लियामेंट एज पर लेटेस्ट यूएन रिपोर्ट वुमेन इन पॉलिटिक्स 2017 मैप, ठीक है। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड फॉर द नंबर ऑफ एमपीज इन पार्लियामेंट, ठीक है, एज पर द लेटेस्ट यूएन रिपोर्ट वुमेन इन पॉलिटिक्स, ठीक है। वुमेन की संख्या कितनी है, तो इसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक है दोस्तों, ये आती है 148, ठीक है। आउट ऑफ ये जो सर्वे हुआ था 193 कंट्रीज में हुआ था, तो उसमें क्या है कि वुमेन इन पॉलिटिक्स 2017 मैप के हिसाब से वुमेन्स पॉलिटिक्स में किस कंट्री की कितनी है, तो उसमें इंडिया की रैंक आती है 148। और सबसे ज़्यादा जो है रैंडा जो कंट्री है रैंडा, वो टॉप में आती है। फिर उसके बाद आती है बोलीविया, क्यूबा, आइलैंड। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, और इसका आंसर है बी, त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है उत्तराखंड के एट नंबर के चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए। ये बीजेपी सीनियर लीडर है दोस्तों। और अभी जो वहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2017 के, तो उसमें आउट ऑफ 70 में से 57 सीट्स बीजेपी को मिली थी, ठीक है। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो यहाँ पे जो हमारा लोगो आता है स्टडी कैप्सूल का, उसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। हैव अ गुड डे।